हेलो एवरीवन, आज की लाइव टेस्ट सीरीज हमारे स्टार्ट हो रही है। इसमें हम प्रीवियस पेपर को सॉल्व करेंगे। जो जो भी लाइव हैं, ऑनलाइन हैं, डेली जो ये टेस्ट सीरीज देखते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी इज इरेगोस्टेरॉल, इरेगोकैल्सिफिरॉल, कॉलीकैल्सिफिरॉल या डाईहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफिरॉल। विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म क्या है? जल्दी से सभी ऑनलाइन लाइव आए और इस टेस्ट सीरीज को हम चालू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। एक्टिव फॉर्म बतानी है विटामिन डी की। इरेगोस्टेरॉल, इरेगोकैल्सिफिरॉल, कॉलीकैल्सिफिरॉल, डाईहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफिरॉल। हिंदी में देख लीजिए इसको, विटामिन डी का क्रियाशील रूप क्या है? आंसर दीजिए। इसमें तीन जने लाइव बता रहे हैं पर आंसर नहीं आ रहा। यस, डी आंसर दिया है। सोनाली ने डी आंसर दिया है। और भी जल्दी जो लाइव है वो आंसर दें। यस, डी इसका राइट आंसर है। जो विटामिन डी का जो एक्टिव फॉर्म होता है वो है डी हाइड्रोक्सी कॉली कैल्सिफिरॉल। क्वेश्चन सेकंड पे चलते हैं। फॉलोइंग फूड इज द रिचेस्ट सोर्स। सी नहीं है, डी है इसका राइट आंसर। डी हाइड्रोक्सी कॉली कैल्सिफिरॉल है। ओके सोनिया, यस डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन सेकंड पे आइए। हाँ, फॉलोइंग फूड इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा थ्री फैटी एसिड। ओमेगा थ्री फैटी एसिड का रिच सोर्स कौन सा है? कोकोनट, फ्लैक्स सीड्स, ऑलिव या ग्राउंड नट। हिंदी में देखिए इसको। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में ओमेगा थ्री फैटी एसिड सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? नारियल, अलसी के बीज, जैतून या मूंगफली। इजी क्वेश्चन है, सभी बता देंगे इसका राइट आंसर। सोनिया फर्स्ट किसका बता रहे हो तुम? क्वेश्चन को देखिए, ओमेगा थ्री फैटी एसिड का सोर्स पूछा है, नारियल, अलसी के बीज, जैतून या मूंगफली। सेकंड का थ्री शिवांगी ने बताया है, सेकंड का ए नहीं है। नारियल जो है वो फैटी एसिड्स, ओमेगा थ्री फैटी एसिड का सोर्स नहीं है। सबसे रिच सोर्स बताना है, अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स यानी ओमेगा थ्री का रिच सोर्स है। क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर है सेकंड, अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स। जैतून ऑलिव ऑयल में ओमेगा नाइन होता है। सी नहीं है आसमा। क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर है बी। क्वेश्चन थर्ड को देखिए। अलाकार्ट मेन्यू इज सर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे एज ए स्पेशल, लिमिटेड चॉइस ऑफ फिक्स प्राइस, चॉइसेस ऑफ आइटम्स लिस्टेड विथ इट्स प्राइस, सीरीज ऑफ डिशेज रिपीटेड आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम। क्वेश्चन थर्ड, हिंदी में देखिए।
अलाकार्ट मेन्यू है, एक विशिष्ट दिवस पर दिया जाता है, एक निश्चित दर पर मर्यादित चयन किया जाता है। खाद्य पदार्थ की सूची उसके मूल्य के साथ चयन करने के लिए दी जाती है। खाद्य पदार्थ क्रमवार कुछ कालांतर के लिए दिए जाते हैं। शालू ने दिया है सी, आसमान ने भी सी दिया है। यस, अलाकाटे का सी होगा। अलाकाटे एक मेन्यू होता है जिसमें चॉइस मेन्यू उसको बोलते हैं। मेन्यू कार्ड उसमें दिया जाता है, उसकी हर की जो फूड आइटम है उसकी अलग से लिस्ट होती है। यस, थ्री का थ्री सही है। यस, क्वेश्चन फोर्थ पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ क्लोथिंग? क्लोथिंग की थ्योरी बताइए, प्रोटेक्शन, कन्फर्मिटी, इंडिविजिबिलिटी और ट्रैक डाउन। थर्ड का बी नहीं है रौनक, थर्ड का सी है। हिंदी में देखिए क्वेश्चन फोर्थ को। निम्नलिखित में से वस्तु के मूल का सिद्धांत कौन सा है? रक्षा, अनुकूलता, निजी विशेषता या ट्रैक डाउन? वस्त्रों का सिद्धांत। अब साथ में क्वेश्चन नंबर भी लिखते जाइए, जिससे मुझे पता चले कि इस क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हैं। फोर्थ का ए बताया है शिवांगी ने, फोर्थ का टू बताया है शालू ने, फोर्थ का टू नहीं होगा। हिंदी में देखिए क्वेश्चन फोर्थ को। ओके, इंग्लिश में देखिए, वही मैं सोचू इस बार प्रीति हिंदी में कैसे देखने को बोल रही है। फोर्थ का ए दिया है। यस, फोर्थ का ए सही है, प्रोटेक्शन। क्लोथिंग की चार थ्योरी होती है, मॉडेस्टी है, इमॉडेस्टी है, प्रोटेक्शन है। सेकंड किसका बता रहे हो आसमा? सेकंड किसका आंसर बता रहे हो? क्वेश्चन फोर्थ का राइट आंसर है फर्स्ट। फिफ्थ क्वेश्चन को देखिए। ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग अनफेयर और डिसेप्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस इन टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट इज? फोर्थ का सेकंड नहीं है, फोर्थ का वन है, प्रोटेक्शन। ए ए टी सी सी, एफ टी सी, टी ई पी आई ए और ए एस टी एम। प्रीति ने दिया है बी, एफ टी सी, फेडरल ट्रेड कमीशन। हिंदी में देखिए क्वेश्चन फिफ्थ को। वस्त्र और साथ में क्वेश्चन नंबर भी लिखते जाइए प्रज्ञा। वस्त्र और तांतुक उत्पादों से निम्नलिखित व्यापार की अनुचित अथवा छलपूर्ण प्रथाओं को रोकने के लिए जिम्मेदार संगठन कौन सा है? ए ए टी सी सी, फेडरल ट्रेड कमीशन, टेक्सटाइल फाइबर प्रोडक्शन आइडेंटिफिकेशन एक्ट और ए एस टी एम। फिफ्थ का डी नहीं है। यस, फिफ्थ का सेकंड राइट है शिवांगी। फिफ्थ का राइट आंसर है सेकंड। फोर्थ का ए सही है प्रज्ञा और फिफ्थ का बी सही है, फेडरल ट्रेड कमीशन। यस, बी सही है रौनक। यस, क्वेश्चन सिक्स को देखिए। द पिक्टोरियल व्यू ऑफ प्रपोज हाउस इज कॉल्ड?
इलिवेशन प्लान, क्रॉस सेक्शनल प्लान, प्लान पर्सपेक्टिव प्लान या फ्लोर प्लान? क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन सिक्स, हिंदी में देखिए। प्रस्तावित मकान का चित्रात्मक दृश्य कहलाता है। मकान बनाने से पहले जो उसका चित्र बनाया जाता है, पिक्चर बनाया जाता है, वो क्या कहलाता है? एलिवेटेड नक्शा, क्रॉस सेक्शनल नक्शा, तीन आयामी नक्शा या भूतलीय या दो आयामी नक्शा या पर्सपेक्टिव नक्शा? क्वेश्चन सिक्स। क्वेश्चन सिक्स का एक नहीं है, फर्स्ट नहीं है, इसमें हिंदी में थोड़ा सा गलत दे रखा है। पर्सपेक्ट डी में जो एक और ऑप्शन दे रखा है पर्सपेक्टिव, वो इसमें होगा, थर्ड में होगा। सिक्स का सेकंड नहीं है, या सिक्स का सी सही है रौनक। पर्सपेक्टिव हिंदी में देखिए, इंग्लिश में सही दे रखा है ऑप्शन। क्वेश्चन सिक्स का जो, हाँ पूजा, सी सही है, सिक्स का पर्सपेक्टिव प्लान। इलिवेशन प्लान तो बाहर से देखने पे कैसा होता है, क्रॉस सेक्शनल प्लान और फ्लोर प्लान जो है वो जमीन वाला होगा, पर्सपेक्टिव जो होगा वो पूरा पिक्चर शो करेगा हाउस का बनने से पहले। सेवेंथ क्वेश्चन पे आइए। डेवलपमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम ऑन गोइंग एक्सचेंजेस बिटवीन हेरिडिटी एंड ऑल लेवल्स ऑफ एनवायरमेंटल इज कॉल्ड। क्वेश्चन सेवेंथ। प्रीति ने दिया है सेवेंथ का डी, एपिजेनेसिस। हिंदी में देखिए। आनुवंशिक गुणों एवं वातावरण के सभी स्तरों के बीच आदान प्रदान के फलस्वरूप हुए विकास को कहते हैं। रौनक ने भी डी दिया है। स्फेलोकोडल और प्रोक्सीमोडिस्टल, तो वो विकास होता है जो सिर से लेकर पांव और बीच से लेकर, मतलब अंदर से लेकर बाहर तक होता है, तो इसका राइट आंसर होगा हाँ शिवांगी, सेवेंथ का फोर्थ सही है, एपिजेनेसिस। सेवेंथ का राइट आंसर है डी, यानी फोर्थ। क्वेश्चन एट पे आइए। एक्सटेंशन यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल टू मोटिवेट पीपल टू चेंज देयर बिहेवियर? सोशल वर्क, कम्युनिकेशन, डायग्नोसिस और एनालिसिस। क्वेश्चन एट का बी दिया है। हिंदी में देखिए। यस, विस्तार विज्ञान, इनमें किसका प्रयोग लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए करता है? क्लियर क्यों नहीं शो हो रहा है? सामाजिक कार्य, संचार, निदान या विश्लेषण? यस, एट्थ का बी सही है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का यूज करके एक्सटेंशन जो साइंस है उसमें लोगों के व्यवहार में, बिहेवियर में बदलाव किया जाता है। एट्थ का राइट आंसर है कम्युनिकेशन, यानी बी वाला। हाँ, नाइन्थ क्वेश्चन को देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स यूज ओनली थ्री एलिमेंट्स टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन के थ्री एलिमेंट किस मॉडल में दिए गए हैं? क्वेश्चन नाइन। नाइन का डी दिया है, यानी अरिस्टोल मॉडल। और क्या क्या दिया है वो भी बता दो प्रीति, शालू।
कम्युनिकेशन प्रोसेस में थ्री एलिमेंट्स दिए हैं। यस, फोर का डी सही है। हिंदी में भी देख लीजिए, निम्नलिखित संचार के मॉडलों में से कौन सा मॉडल केवल तीन तत्वों के द्वारा संचार प्रक्रिया को समझता है? इसका राइट आंसर है डी, अरस्तु मॉडल, फोर्थ यानी। हाँ, फोर्थ का डी है। इलेवेंथ पे क्वेश्चन पे आते हैं। इलेवेंथ पे आइए। फॉलोइंग आर डिसऑर्डर ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी, जीरोफोटेलमिया, नाइट ब्लाइंडनेस, ऑस्टियोपोरोसिस, क्रेटिनिज्म और क्रेटोमलेशिया। सभी इसका राइट आंसर देंगे वैसे। 10th, ओके, 10th मिस हो गया। हाँ, 10th पे आइए। सिंस द पॉपुलेशन साइज इज ऑलवेज लार्जर देन द सैंपल साइज, द सैंपल स्टेटिस्टिक्स। 10th को देखिए, हाँ, पॉपुलेशन साइज जो होती है वो सैंपल साइज से हमेशा ज्यादा होती है। सी नहीं है प्रीति। हिंदी में देखिए, क्योंकि समस्त आकार प्रतिदर्श आकार से हमेशा बड़ा होता है, इसलिए प्रतिदर्श आंकड़ा। सी नहीं है पूजा। डी इसका राइट आंसर है। 10th का नहीं शिवांगी, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है। 10th का राइट आंसर है डी, यानी इनमें से कोई भी सही नहीं है। पॉपुलेशन साइज जो है वो हमेशा सैंपल साइज से बड़ी होती है। पॉपुलेशन में से ही हम सैंपल जो है वो चूज करते हैं। सही डी आंसर है, यानी इनमें से कोई भी सही नहीं है। नन ऑफ द अबाव आंसर इज करेक्ट। यस, डी सही है। हाँ, 10th का डी सही है। क्वेश्चन 11th पे आइए। विटामिन ए डेफिशिएंसी, क्वेश्चन 11th। इलेवेंथ का फर्स्ट नहीं है शिवांगी। इसमें पूछा है कि पॉपुलेशन साइज जो है वो हमेशा सैंपल साइज से बड़ी होती है, क्योंकि सैंपल जो है वो कभी भी पॉपुलेशन पैरामीटर से बड़ा नहीं होता है, कभी भी पॉपुलेशन पैरामीटर से स्मॉलर नहीं होता है, कभी भी पॉपुलेशन पैरामीटर के बराबर नहीं होता है। तो इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो सही नहीं बता रहा है। यहाँ पे पॉपुलेशन साइज की नहीं, पॉपुलेशन पैरामीटर की बात हो रही है। इलेवेंथ, इलेवेंथ का क्या क्या आंसर आया है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी से ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा और क्रिटिनिज्म नहीं होगा।
बाकी तीनों ही होंगे। ठीक है, 11th का थर्ड यानी सी। हाँ सी सही है, 11th का। ट्वेल्थ पे आइए। फॉलोइंग फूड्स हैव ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेस देन 50%। कौन से फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स GI जो है वो 50% से कम होता है? सोयाबीन, वाइट व्हीट ब्रेड, एप्पल, बॉयल्ड राइस या मेथी? इसका भी सभी सही आंसर देंगे। ट्वेल्थ का डी दिया है प्रीति ने, हिंदी में देख लीजिए। निम्नलिखित खाद्य पदार्थ के ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50% से कम है? सोयाबीन, मैदे की ब्रेड, सेब, उबले चावल, मेथी। यस डी इसका राइट आंसर है। सोयाबीन, एप्पल और मेथी, इन सभी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 50% से भी कम होता है। हिंदी में भी बता रही हूँ मैं, दोनों ही में बता रही हूँ, इंग्लिश के बाद हिंदी आ रहा है। हाँ 12th का 4 सही है, 12th का डी सही है। यस जो वाइट ब्रेड होती है, मैदे की जो ब्रेड होती है उसका 100 होता है मेन, इसलिए जब हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स निकालते हैं तो वाइट ब्रेड को रेफरेंस फूड की तरह यूज़ करते हैं। जैसे हमें प्रोटीन की क्वालिटी को निकालना है तो रेफरेंस फूड हम एक को मानते हैं, उसी तरह से ग्लाइसेमिक इंडेक्स जब हमको निकालना है तो जो रेफरेंस फूड है वो वाइट ब्रेड को मानते हैं, क्योंकि वाइट ब्रेड का 100 तक जो है वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। क्वेश्चन 13, आर्किटेक्चर फीचर्स ऑफ ए किचन विल इंक्लूड। क्वेश्चन 13, आसमा एक किसका आंसर दे रहे हो? डी सेकंड किसका आंसर दिया है? क्वेश्चन 13, हाँ सेम ही ऑप्शन है, इसको आगे पीछे कर दिया है फर्स्ट और सेकंड को। हिंदी में देख लीजिए। रसोई घर में वास्तुशिल्पीय आकृति में निम्नलिखित शामिल है? नोटिफिकेशन नहीं आया, पता नहीं क्यों नहीं आया। 13 का आंसर दीजिए। 13 का ए फर्स्ट और सेकंड देखो, दोनों ही सेम दे रखे, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ। सेकंड सही दे रखा है वैसे इसमें आंसर ना। बार्स के अलावा जो है सभी इसके किचन में जो है आर्किटेक्चर फीचर्स होते हैं। थर्टीन का सेकंड दे रखा है। हाँ ए भी हो सकता है क्योंकि ए में भी वही ऑप्शन है, सिर्फ फोर्थ वाला नहीं है। हाँ बार्स तो परफॉर्मेंस अप्रेजल है। बाकी किचन में जो है ये सारी चीजें की जाती है।
इसमें श्रवण गुण दे रखा है थर्ड का मतलब, यानी कि उसमें आवाज जो है वो प्रॉपर आए किचन में, वैसे उसको बनाना चाहिए, सही से वेंटिलेशन हो, सही से उसका फ्लोर हो, सिर्फ बार्स के अलावा सभी आएगा, बार्स नहीं होगा। बार्स तो जो है वो फूड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में जो परफॉर्मेंस है उसको असिस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन 14 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट डार्ट इक्विवेलेंट। क्वेश्चन 14, हिंदी में देखिए 14 को। कौन सा जो है वो डार्ट के इक्विवेलेंट नहीं होता है? टीजीटी और पीजीटी के लिए भी स्टार्ट करेंगे अब। 14 का वन यानी फर्स्ट और सेकंड, कंट्रोल सीम और अफल। 14 का राइट आंसर बी है, जिसमें रफल आएगा और जालर आएगी। ये दोनों जो होती है वो डार्ट्स जो बनाते हैं फोर्टीन का थ्री नहीं है, 14 का जो है वो बी है। डार्ट्स की इक्विवेलेंट नहीं होती है ये। फ्रिल यानी जल्लर जो बनाते हैं वो रफल। फोर्टीन का राइट आंसर है सेकंड यानी बी। नहीं, थ्री नहीं है शिवांगी, बी है इसका आंसर। हाँ, टीजीटी। 15 पे आए, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट लीफ। प्लांट लीफ से कौन सा फाइबर ऑब्टेन होता है? पीना, सीसल, कपोक और कोयर। फिफ्टीन का ए, फिफ्टीन का ए, यस 15 का ए सही है। पीना जो है वो लीफ से मिलता है, सीसल भी लीफ से मिलता है, कपोक सीड है यार जैसे कॉटन है, और कोयर जो है वो नारियल का जो हस्क होता है। हाँ, ए सही है। पीना किस लीफ से मिलता है, मतलब किसकी लीफ से पीना बनता है? सीसल तो जो है वो सीसल ट्री से होता है, और पीना फिफ्टीन का ऐसे ही है। हाँ, पाइनएप्पल नहीं, हाँ अनानास, अनानास बोल सकते हैं, पाइनएप्पल बोल सकते हैं। यस 16 को देखिए,
हाथ एवं देह की गतियों में निम्नलिखित में से किसके जरिए परिवर्तन ला सकते हैं? किस पे थे हम? सिक्सटीन। सिक्सटीन को देखें। सिक्सटीन का डी नहीं है, ए भी नहीं है। हिंदी में देखिए। हाथ और देह की गतियों में निम्नलिखित में से किसके जरिए परिवर्तन ला सकते हैं? जो अनावश्यक गतियां हैं उसको विलुप्त करके। 16 का बी नहीं है। कौशल विकसित करके, आरामदेह, आसान स्थिति को अपनाना और काम के अनुक्रम में सुधार लाना। एक को छोड़ के बाकी तीनों हैं। हाँ, सी इसका होगा। कौशल विकसित के अलावा तीनों ही है जो सही है इसका। हाँ, क्वेश्चन 16 का राइट आंसर है सी। सेवेंटीन देखिए। हाँ, सी सही है। ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाई क्वालिटी चाइल्ड केयर इंक्लूड। क्वेश्चन 17 पे आइए, इसका भी सभी राइट आंसर दे देंगे। एयर कंडीशनर आर इंपॉर्टेंट, कैरियर्स आर वेल ट्रेंड, मटेरियल्स एंड एक्टिविटीज आर एज अप्रोप्रिएट, कंप्यूटर्स आर यूज, हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर हाई। क्वेश्चन सेवेंटीन का सी। सी में यानी फर्स्ट, एयर कंडीशनर आर इम्पोर्टेंट। चाइल्ड के क्वालिटी केयर में एयर कंडीशनर का क्या रोल है? प्रीति, हिंदी में देखिए। उच्च गुणवत्ता बाल देखभाल की मुख्य विशेषता है। वातानुकूल महत्वपूर्ण है, देखभाल करता अच्छे प्रशिक्षण होने चाहिए, प्रदात एवं क्रियाएं आयु अनुसार हो, कंप्यूटर का प्रयोग करना और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा स्तर ऊंचे हो। हाँ, 17 का बी सही है। प्रतिमा डी नहीं होगा, बी सही है। हाँ, श्रेया, हिंदी में ही अभी। प्रतिमा डी में तो फोर्थ, कंप्यूटर का उपयोग करना, कंप्यूटर का उसका कोई रोल नहीं है। यानी फर्स्ट नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, बाकी सभी है। सेवनटीन का बी सही है। क्वेश्चन 18। द फंक्शनल लिटरेसी प्रोग्राम एम एट एनेबलिंग इलिटरेट एडल्ट टू एक्वायर बेसिक स्किल इन रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, वोकेशन और ऑर्गेनाइजेशन। इसका भी सभी आंसर राइट देंगे। 18 का भी। कार्यात्मक साक्षरता। 17 का बी सही है। 18। हाँ, उद्देश्य मूलभूत कौशल प्राप्त करने में निम्नलिखित में से किस में निरक्षर वयस्कों का
समर्थ बनाना है। संगठन ऑर्गेनाइजेशन से कोई रिलेशन नहीं है, बाकी सब है। रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक और रोजगार। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यस, 18 का राइट आंसर ए है। 19 पे आइए। इफेक्टिव डेवलपमेंट, हाँ अनामिका, 18 का ए सही है। इफेक्टिव डेवलपमेंट कम्युनिकेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर? क्वेश्चन 19। हिंदी में देखिए। हिंदी में देखिए। 18 ए सही है। विकास संचार निम्नलिखित में से किन कारकों से प्रभावित होता है? नेट प्रॉब्लम कर रहा है हमारे यहाँ, तो सही आ रहा है नेट, नेटवर्क सही नहीं आ रहा होगा। 19 देखिए। श्रेय सी नहीं होगा। सी में तो लोगों के रहने का स्थान और लोगों की संख्या है, उससे कोई रिलेशन नहीं है संचार का। लोगों की संख्या कितनी भी हो लेकिन कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। एक एक पर्सन है या 10 पर्सन है, कम्युनिकेशन उससे प्रभावित नहीं होता है। लोगों के रहने के स्थान से भी प्रभावित नहीं होता है। यस, 19 का ए सही है। जानकारी का प्रचार और लोगों द्वारा जानकारी का प्रयोग, किस तरह से हम जो जानकारी है उसका प्रचार कर रहे हैं और वो जानकारी जो लोगों ने अर्जित की है वो उसका कैसे उपयोग कर रहे हैं, ये संचार को प्रभावित करता है। हाँ, तो 19 का ए सही होगा। क्वेश्चन 20 पे आइए। एन एक्सपेरिमेंट रिसर्च डिजाइन इनकॉर्पोरेट्स, हाँ 19 का ए सही है दीपमाला। क्वेश्चन 20 का बताइए। हाँ, एक्सपेरिमेंट रिसर्च डिजाइन, हिंदी में देखिए। प्रायोगिक शोध डिजाइन निम्नलिखित में से किसे समामेलित करता है? डी सही होगा, प्लेसिबो प्रभाव। 20 का फोर सही है। क्वेश्चन 21, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो प्लेसिबो से रिलेटेड नहीं है। प्लेसिबो मतलब जिसमें बिना ट्रीटमेंट किया या एक्सपेरिमेंट किया हुआ जो सैंपल है उसको देखना। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए। क्वेश्चन 21, इन क्रॉनिक रीनल फेलियर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR फॉल्स टू लेस देन 15 मिलीलीटर पर मिनट। रीजन, द क्रॉनिक रीनल फेलियर पेशेंट आर रिकमेंडेड डाइट हाई इन प्रोटीन एंड सोडियम। इसी का भी सब आप सही आंसर देंगे। 20 का डी, हाँ 21 का दीजिए। 21 का भी सभी सही आंसर देंगे। 21 का सी कैसे होगा प्रीति? क्रॉनिक रीनल फेलियर में तो GFR कम हो जाता है ना। डी नहीं होगा पूजा। सी कैसे होगा? क्रॉनिक रीनल फेलियर में ग्लोमेरुलर
निस्तंयन गति 15 मिलीलीटर पर मिनट से कम हो जाती है। डी नहीं होगा 21 का, प्रीति बी नहीं होगा, हिंदी में है, देखिए शिवांगी 21 का डी नहीं है, 21 का राइट आंसर ए है। जब क्रॉनिक रीनल फेलियर हो जाता है, किडनी अपना काम नहीं कर पाती है, तो GFR जो है, क्योंकि किडनी का काम है फिल्टर करने का, तो किडनी सही से काम नहीं करती है तो जो फिल्ट्रेशन रेट है वो कम हो जाती है। हाँ तो ए तो सही है, लेकिन जो किडनी पेशेंट है हम उसको ना तो प्रोटीन ज़्यादा देंगे ना सोडियम ज़्यादा देंगे क्रॉनिक वाले में। ए सही है। क्वेश्चन 22 पे आइए। प्रतिमा ए सही है। 22 पे आइए। पर्सन्स विथ BMI बिटवीन 18 to 25 kg पर मीटर स्क्वायर आर क्लासिफाइड एज ओबीज। रीजन, रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटी एंड हाई इंटेक ऑफ जंक फूड्स लीड टू ओबेसिटी। 22 का एफ, एफ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ट्वेंटी टू दोनों सही है, दोनों गलत है, ए गलत आर सही है, आर गलत या ए सही है। 22 का डी नहीं है श्रेया। हिंदी में देखिए, अट्ठारह से 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर की BMI वाले व्यक्ति ओबीस कहलाते हैं। कम शारीरिक क्रिया और अधिक जंक फूड के सेवन के कारण स्थूलता होती है। ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू का सी सही है, अनामिका। यानी ए तो गलत है, 18 से 25 kg पर मीटर स्क्वायर वाला BMI वाला जो है वो ओबीस कहलाता है, ये तो गलत है, लेकिन जो इसका रीजन दे रखा है वो सही है। वैसे जो 18 होता है उसको नॉर्मल में ही मानते हैं, WHO एशिया पैसिफिक में देखे तो उसमें 23 तक ही दे रखा है, बाकी दूसरे क्लासिफिकेशन में देखे तो 25 तक भी दे रखा है, किसी में 24.9 तक भी दे रखा है, पर इसमें 18 से पूछा है, इसलिए ए गलत और आर सही है। हाँ 22 का सी सही है। 24 पे आइए। ओबीज वालों का BMI कितना होता है वो अलग अलग क्लासिफिकेशन में अलग अलग देखने को मिलेगा, जैसे WHO 2000 का जो क्लासिफिकेशन है एशिया पैसिफिक का वो अलग है, नॉर्मल जो अलग उन्होंने दे रखा है वो अलग है। क्वेश्चन 24 को देखिए। हाँ ट्वेंटी थ्री पे नहीं आए क्या हम? 23 ए सिस्टम कैन बी स्टेट टू बी ए सेट ऑफ इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स। रीजन, ए सिस्टम इज बेस्ड ऑन डिमांड पुल रादर देन सप्लाई पुश। क्वेश्चन नंबर 23। ट्वेंटी थ्री प्रीति
ट्वेंटी जो नई आरडीए आएगी या पुरानी आएगी, अब दोनों को ही पढ़ के जाना एग्जाम में, दोनों को ही पढ़ के जाना। अगर पेपर पहले बना होगा तो 10 वाले में से भी आ सकता है, 20 में से भी आ सकता है। 25 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। थर्टी टू पे तो आए ही नहीं हम। पूजा एक व्यवस्था को अंत आश्रित अंशों का समूह कहा जाता है। कोई व्यवस्था आपूर्ति दबाव के बजाय मांग में वृद्धि होने पर आधारित है। हाँ 23 का डी सही है, दोनों ही सही है, यानी ए बी और आर बी, और आर पर आर सही कारण नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। हाँ 23 का डी सही है नामिका। ट्वेंटी फोर हाँ। वाइल वॉशिंग वूलन गारमेंट नीडिंग एंड स्क्वीजिंग मेथड इज यूज। स्केली स्ट्रक्चर ऑफ वूल कोज फेल्टिंग ड्यू टू फ्रिक्शन। 24 इसका भी सभी सही आंसर देंगे, 24 का भी। ऊनी वस्त्र को जब हम धोते हैं तो गूथने और दबाने का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ऊन का स्केली संरचना रगड़ के दौरान फेल्टिंग उत्पन्न करता है। डी नहीं होगा, डी में तो ये गलत बता रहा है। वूल के कपड़े ऊन के कपड़े धोते हैं तो गूथने और दबाने का प्रयोग करते हैं, यानी उसको ब्रश से रगड़ से नहीं रगड़ते हम। आसमा डी नहीं होगा, अनामिका सी भी नहीं होगा। 24 का डी नहीं है पूजा। बी सही है शालू, 24 का बी सही है। हाँ दोनों सही है और आर जो है सही कारण है। जब भी वूल को धोते हैं तो सिंपल जो है गूथने और दबाने का प्रयोग करते हैं, उस पर ब्रश या रगड़ या ऐसा कुछ यूज़ नहीं करते हैं। हाँ बी सही है श्रेया। ट्वेंटी फाइव टेरिटॉप इज द मोस्ट एब्जॉर्बेंट फैब्रिक स्ट्रक्चर। पाइल हैंस मोर सरफेस एरिया टू एब्जॉर्ब वाटर। क्वेश्चन 25 हिंदी में देखिए 25 को। टेरी टॉवल के कपड़े की संरचना सबसे अधिक सोखने वाली होती है। ए नहीं है शालू, यह कटी हुई पाइल है इसलिए पानी सोखने वाली सतह अधिक होती है। 25 25 का बी भी नहीं है आसमां। सी इसका राइट आंसर है। टेरी टॉवल जो होते हैं उस पर क्या होते हैं, लूप्स बने होते हैं जिसकी वजह से वो वाटर को या कोई भी नमी है उसको अब्जॉर्ब कर लेती है। ये कटी हुई पाइल नहीं है, ये अनकट पाइल है इसलिए पानी को सोख लेती है। अगर ये कटी हुई पाइल होती है तो ये वेलवेट कहलाती, टेरी टॉवेल नहीं कहलाती। और वेलवेट है या वेलवेटीन है वो स्मूथ सरफेस वाली होती है, और टेरी टॉवेल वाली जो होती है वो लूप वाली होती है। हाँ सी सही है। 25 का 25 का ए नहीं है दीपमाला। ए में तो दोनों सही बता रहा है, टेरी टॉवल कट पाइल थोड़ी ना है, वो तो अनकट पाइल है, उसमें तो लूप बने होते हैं, इसलिए लूप बने होते हैं ऐसे, तो इसकी वजह से वो पानी को या नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है। और वही जो लूप है उसे हम काट देंगे तो वो कट पाइल हो जाएगा, जिसका एग्जाम्पल मखमल या जो वेलवेट वेलेटीन ये सारे जो होते हैं। ठीक है तो आज की टेस्ट सीरीज में इतना ही।
नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे हम शिवांगी का 24 का, हाँ बी सही है, और 25 का जो है वो सी सही है। ट्वेंटी फाइव का सी सही, आसमा यानी थर्ड वाला। हाँ श्रेया 25 का सी सही है। ओके